अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मेरी गाड़ी की हो गई हवा कम और एक भाई को नेक को बोला, तो फिर भी अभी हवा डाल दो, फिलहाल हवा से काम चल जाएगा। हवा डाल दो ना तुम। अम्मी कुछ नहीं होता, मैं बोला लाइक। हाँ बोलो, शॉर्ट आउट दूंगा कह रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के शॉर्ट्स लेने, मतलब बच्चों की कुछ चीज़ें जो मुकम्मल नहीं हुई थी वो लेने के लिए। तो और गाड़ी का वो कह रहा है टायर है पंचर, पर फिर भी मैं अभी हवा डलवा के काम चला रही हूँ। अभी रश है, अब जैसे पहुँच जाएंगे मॉल तो फिर। और ये अंकल बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं आती हूँ ना, ये अंकल नहीं सारे अंकल बहुत अच्छे हैं, तो मेरी पार्किंग लगवा देते हैं। तो हमारी किस्मत में नहीं थी ये वाली पार्किंग, तो हम लगाएंगे इसके आगे वाली जगह पे पार्किंग, वो वाली। और अब हम वही करने वाले हैं। नानी नानी हम गाड़ी रिवर्स में जी जी तो भाई हम पहुंच गए, और पहुंचते ही साथ रोहान ने ले लिया बलून। रोहान का पसंदीदा मशगला है बलून, कहीं में भी देखता है। ये बा हैप्पी हैप्पी चलो भाई अब हम जाएंगे रोहान रहमान की चीज़ें सर्च करने के लिए, और अल्लाह करे आज रोहान रहमान की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपको अपडेट करते हैं अंदर कहीं घुस के। वो तो मैं तुम लोगों के लिए जा चुकी हूँ ऑलरेडी, ब्लैक और ब्लू वाली शर्ट्स। कम कम अलॉन्ग विद मी। अच्छा मुझे इनके शॉर्ट्स चाहिए, आई वॉज सर्चिंग द शॉर्ट्स गाइज। और ये मैं ले जा चुकी हूँ अब्दुल रहमान के लिए और रोहान के लिए अभी, और अभी मैं इन लोगों के लेने वाली हूँ शॉर्ट्स। मुझे शॉर्ट्स दिखा दें प्लीज़, इनके और इनके साइज़ के। तो भाई बच्चों की मैंने चीज़ें ले ली, ये रही मेरे पास बच्चों की चीज़ें। ओहो ये रही बच्चों की चीज़ें। और अब अब्दुल रहमान कह रहा है मुझे मैकडॉनल्ड जाना है। बाबा तो है नहीं। अच्छा ये जो भी बंदे देखता है बाबा बोलता है। अब हम जा रहे हैं रोहान को लेके, अब हम जा रहे हैं अब्दुल रहमान रहमान और रोहान को लेके मैकडॉनल्ड्स। वहाँ पर जाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई अब हम आ गए मैकडॉनल्ड, और हमने यहाँ से ली थी क्योंकि हमारे पास होते हैं हमेशा से पॉइंट आप लोगों को मिलता है, तो हम वो कभी भी ज़ाया नहीं करते, कुछ खा पी लेते हैं। और इन दोनों को चाहिए आइसक्रीम एज ऑलवेज। यस हाँ तुम्हें देंगे आइसक्रीम, कह रहे हैं तुम तंग नहीं करो तंग नहीं करो। अभी ऑर्डर हो गया हमारा, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मिल जाएगा, फिर हम जाके बैठ जाएंगे, हमारा ऑर्डर आएगा, देन हम खाएंगे चलो ननों के पास जाओ वो तुम्हें पहले। भाई रोहान अपने आइसक्रीम में बिजी। अब्दुल रहमान कैसी है आइसक्रीम? ओहो और आप बताएं ऐसे इतना सैड हो के क्यों, क्या हुआ है? अब्दुल रहमान तुमने नहीं खानी, पहले तो तुमने अपने सारे दांत तोड़ लिए फिर ये खानी है। तो भाई अभी इसकी आ जाएगी आइसक्रीम, और मैंने अपने बालों का कलर करवा लिया चेंज, आप लोग बताएं कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे हमारा खाना आ जाता है, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फूड इज़ हेयर, हमने मंगवाए सिर्फ चिकन बॉल्स, तो हमें बहुत पसंद आते हैं ये और बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हम यही खाते हैं। और अब हम खा रहे हैं, आप लोगों से ऐसा ही है। तो भाई हम लोगों ने खा लिया पी लिया, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ से निकलने देते हैं या नहीं, वहाँ साइड से निकल जाता है। अंकल मेरी गाड़ी यही खड़ी हुई, देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी अम्मी हैं। थैंक यू, पहली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि अंकल ने हमें जाने दिया, वरना अंकल हमें कहते हैं आप वहाँ से जाइए, ज़रा थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मेहनत में अजमत है। पर आज अंकल ने बोला चले जाइए, आप क्या याद करेंगी, मैंने कहा मेरे साथ अम्मी और बच्चे हैं, तो अंकल ने बोला जाइए बेटा। क्या नहीं अंकल फिर गाड़ी कौन लेके जाएगा? तो बस फिर अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और वैसे आज मॉल में सन्नाटा है ना, आज अम्मी इतना रश नहीं है मॉल में। आम दिन है ना, आम दिन नहीं, ईद के दिन तो शुरू होने वाले, उस दिन हफ्ते को बहुत रश था, पर आज रश नहीं, आज रश कम है बहुत। तो अब इसी तरह मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ,
तो गाड़ी की जगह यहाँ पर भी है पार्क करने की, मैंने तो यहीं पार्क की थी। और अब सीन कुछ ऐसे हैं, क्या मुझे बच्चे को भी पैसे देने हैं, पर मैं वहाँ बस चेंज नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, एक बच्चे के साथ मेरा क्या मसला है, यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मैं इसको आगे से खुला दूंगी, ऐसा ही कुछ करूँगी। सॉरी, आपकी बहन घर आ गई थी, घर आई उसने फेस वॉश किया, उसके बाद सिरम्स वगैरह लगाए, उसके बाद अपनी नाइट क्रीम लगाई, उसके बाद आपकी बहन थन्ना के लेट गई है क्योंकि बहुत थक गई है, बच्चों की शॉपिंग करते इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। और मुझे आप लोगों को एक बात कहनी थी कि यार इस ईद पे ना सारे ब्रांड्स में घूम ली हूँ, सारे के सारे, कहीं कुछ काम का नहीं आया। मैंने एक जोड़ा लिया 11,000 का, वो ईद पे जब मैं पहनूंगी आप लोग देखिएगा, उसका भी मुझे पजामा साथ नहीं मिला, पजामा मुझे अभी लेना है। तो मतलब कि ये ब्रांड वाले 25-25, 30-30 हज़ार के जोड़े हमको टेप रहे हैं लाउन के, फिर भी हम लेंगे, फिर भी हम तो लेंगे, आपका नहीं पता। ये देखा, मॉरल स्टोरी भी होती है, हर किसी मुझे सैड ना हुआ करें, सैड ना हुआ करें, सैड होना कुफर है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये शॉर्ट आउट फिर जाता है तैयब को, क्योंकि तैयब बहुत ज़्यादा कमेंट करता है, तैयब पढ़ देता है खुश। तो जी बताइएगा आप लोगों को मेरे बालों का कलर कैसा लगा, और अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिएगा, बुरे बुरे कॉमेंट कीजिएगा, जो दिल करे करिएगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये याद रखिएगा। सही है जी, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।